नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी लंबे समय से डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, तो उसी प्रयास का परिणाम था साथियों कि नवम्बर में यूपीटीटी होने की संभावना जताई जा रही है। और साथियों, इसके पूर्व में जब भी भर्ती आई है तो यूपीटीटी के आयोजन के तत्काल बाद भर्ती आ गई है। तो साथियों, समय कम है, यूपीटीटी यदि नवंबर में हो जाता है 28 नवंबर की जो घोषणा हो रही है, जो बातें हो रही हैं, अगर 28 नवंबर में हो जाता है तो दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा उसका, और रिजल्ट आने के बाद तत्काल सुपर टेट की घोषणा हो सकती है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को पता है कि कमेटी का गठन किया है कि पदों के निर्धारण के लिए, और पता चल जाएगा सितंबर की छात्र संख्या के आधार पर यह पता चल जाएगा कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, उस आधार पर यह क्लियर हो जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती आनी है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और उस आधार पर जैसा होगा तब शिक्षक भर्ती आएगी। तो साथियों, अब इसी आस में कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो आप लोग यूपीटीटी की तैयारी कर ही रहे हैं और जल्दी से उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दो बैच 2018-2019 बैच में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि अभी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो वो लोग अपना टेट क्वालिफाई कर लें। देखिए, यही यूपीटीटी पहले हो जा रही है, तो इसलिए यूपीटेट पर ज़्यादा फोकस करें, इसको क्वालिफाई करके नए सुपर टेट में बैठने का उनको मौका मिल जाएगा। तो समय भी कम है, क्योंकि जो लोग अभी 2019 बैच के हैं तो उनको तो सुपर टेट की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। तो लेकिन जो भी समय है उस समय का सदुपयोग करें। कुछ लोग कह रहे थे सर कौन कौन सी बुक हम बन लें जिससे तैयारी करें। साथियों, मैं तो ये कहूँगा कि समय कम है, आप लोग किसी अच्छे मार्गदर्शक से सलाह ले लें, जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर हो या कहीं से जहाँ से भी सामग्री, क्योंकि वो लोग कई कई विषय के सब टीचर रखे हुए हैं और वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे देंगे, किसी एक व्यक्ति से पूछ करके किताब से आप छांट नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग कुशल मार्गदर्शक लें अच्छे टीचर से, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। मेरी शुभकामनाएं सदैव आप लोग साथ रहेगी। धन्यवाद।